हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कार की माइलेज के बारे में। कार में माइलेज आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। माइलेज डिपेंड करती है तीन चीजों में। जो पहली है वो है ट्रैफिक, जिस पे हमारा कोई हाथ नहीं होता। रोड पे है तो ट्रैफिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेकेंड जो चीज है कार की मेंटेनेंस, आपने इंजन ऑयल कब चेंज कराया, कार की सर्विसिंग कब कराई, ये चीज पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाती है। तीसरी जो बात है वो है ड्राइविंग हैबिट्स की। ड्राइविंग हैबिट्स मतलब चलाने का तरीका कैसा होना चाहिए जिससे आपको कार की माइलेज अच्छी मिले। कार की माइलेज निकालने का ड्राइविंग हैबिट्स जो है आज की वीडियो इसी बारे में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं माइलेज के बारे में, कार की माइलेज कैसे निकालें। आज मैं अभी होंडा सिटी आईवीटेक चला रहा हूं, इसमें माइलेज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने कितनी माइलेज निकाली और इसके चलाने का तरीका क्या था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे मैं ट्रिप को रीसेट कर दूंगा, उसके बाद मैं कुछ 10-15 किलोमीटर कार चलाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि माइलेज कितनी आ रही है मेरे इस कार में। और ये एवरेज यहाँ पे जैसे दिख रहा है 14.1, ये मैंने सिटी में एसी चला के बहुत ट्रैफिक में उस तरह से चलाई थी इसलिए आ रहा है। तो अभी मैं इसको रीसेट कर दूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा मेरे को माइलेज कितनी मिल रही है। ये ट्रिप मैंने जो है ये जीरो में कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 22.9 की एवरेज निकली है मेरी। ये 22.9 अभी मैंने जो चलाया है, ये आपको दिखाता हूं मैंने कितना किलोमीटर चलाया है। ये मैंने 12.9 किलोमीटर चलाया, 12-13 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद 12.9 किलोमीटर चलाने के बाद 22.8 हो गया, अभी 22.9 की माइलेज मिली है। एक लीटर में 22 किलोमीटर की माइलेज मिली है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये मैं होंडा सिटी आईवीटेक चला रहा हूं। तो ये ड्राइविंग हैबिट आपको मैं दिखाना चाहूंगा कैसे करनी है जिससे आपको सबसे बेस्ट माइलेज मिले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से चलाना है जिसमें आपकी माइलेज अच्छे से आए। सबसे पहले मैं क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगाया और ये एस्केलेटर मैंने धीरे से, बहुत ही धीमे से प्रेस किया, क्लच पूरी तरह से मैं छोड़ रहा हूं।
ये कार आगे बढ़ने लगी और मैंने क्लच पूरी तरह से छोड़ दिया है। कार मेरी आगे बढ़ रही है, क्लच छोड़ दिया, एस्केलेटर में एकदम स्लाइटली सा पैर है मेरा। माइलेज आपकी कैसे आती है मैं दिखाता हूँ आपको। क्लस्टर में ये इस तरह से आती है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे लेफ्ट में जो है ये आरपीएम है मेरा, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये मेरा 1000 या 1500 तक रहना चाहिए आपको माइलेज ऑप्टिमम, मतलब बेस्ट माइलेज के लिए। तो आप इससे 1500 से इंक्रीज मत करिए, नहीं तो माइलेज गिर जाएगी। तो ये एक तरीका है जो आपने ध्यान रखना है। अभी देखिए मेरी कार चल रही है 10K स्पीड में, मैं फर्स्ट गियर में हूँ। माइलेज जैसे आप फर्स्ट गियर लगाए संग संग सेकंड गियर लगा लीजिए, थर्ड गियर लगा लीजिए, सबसे टॉप गियर में लगाइए और इसको 1500 के अंदर रखिए। और कार का जो आप जब भी गियर चेंज करेंगे तो 1200 या 1300, ये देखिए अभी ये मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी, मैंने इंक्रीज की आरपीएम की और ये मैंने सेकंड गियर लगा दिया, तो इसमें मेरे को बेस्ट माइलेज आनी लगेगी। तो आपको मैं लाइव दिखाऊंगा मेरे को माइलेज कितनी मिलती है। सबसे पहले मैं ये तो दोस्तों आपको ये समझाना चाहूंगा, ये माइलेज जो है ये लाइव ट्रैकर भी है, इसमें ये 0, 20 और 40 जो आप देख रहे हैं ये इसमें माइलेज लाइव दिखाता है। आप कार चलाएंगे तो ये अप डाउन होता रहता है, 40 की तरफ जाएगा फिर नीचे की तरफ 0 की तरफ आएगा, तो इसमें लाइव होता है। आप जिस हिसाब से कार चला रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी माइलेज बताएगा ये। तो उसी समय जो लाइव आप चला रहे हैं, जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ, ये मैंने आगे बढ़ाई कार, अभी देखिए ये मेरे को 10 से भी नीचे दिखा रहा है माइलेज। तो इस तरह से माइलेज इंक्रीज और डिक्रीज होती है जैसे कि आप चलाएंगे। तो